भाइयों, आज फिर मौसम बिगड़ गया। आसमान में देखो बादल छा गए, छाया हो रही है, धूप का मतलब नहीं है। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ घूमने। ये रास्ता दुराले की तरफ गया है, मुझे जाना है पावली की तरफ। इधर ही हमारे खेत हैं, यहाँ से खेत शुरू होगी। ये अगला खेत है हमारा, ये रास्ता पार करते ही चक हमारा आ गया। यो चल दिया ट्रैक्टर लान काटने। न्यू होलैंड, राम 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 भाई, राम राम। न्यू होलैंड, इसमें मैसी का इंजन है सिम्पसन का, वही 45 वाला, बहुत जानदार ट्रैक्टर है। थोड़ी स्लो हंटिंग करता है, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं। भाइयों खेत में मोथो जोर लगा रहा है, ये तो जमी यही। इधर खुरपी निकालने वाले लग गए हैं। अब जा देखिए ऐसी लड़ाई हो रही है, नड़ा के घास ऊपर डाल रहे हैं। खुरपी निकलते ही लहरा गई, हमारे ठेकेदार लग रहे हैं। भाइयों जॉन डियर ट्रैक्टर आ रहा है सामने से। लोडर लगाया आके भाई, ये 82 इंच पे बोया गया। अगर ना मारा पुनीत बबलू लग रहे हैं इसमें खोदने। भाई ये हमारी पिड्डी है, आपके तीसरे, आपके तीसरे पिड्डी हो भाई। ये तीसरा पुग्गी है, पिड्डी है, इसमें कोई कोई पुग्गी छोड़ देते। देखो कितनी सुंदर खड़ी है, अभी कुछ नहीं कह रहा इसमें। भाइयों देखिए गन्ना सबका खत्म हो गया। भाइयों हमारा ये गन्ना जम गया, जमने लगा, लेकिन घास भी पूरी होगी इसमें, खरपतवार। चलो जम जम चाहिए, राड तो कटे घास के, घास के इतने गेहूँ जमे हैं ज़्यादातर। एक बार जुतते ही गेहूँ नहीं जमेंगे, ख़त्म हो जाएंगे अपने आप। भाइयों पिड्डी जम रही है बढ़िया, अभी कोई स्प्रे नहीं किया इसमें। ये खुर चमक गई, ये सबसे पहले दिन बोई थी, 3 दिनों बोया हमारे पे, 6 बीघे नंबर। भाइयों 42 इंच पर रखा हमने था। भाइयों मैं बता देना चाहता हूँ, जो भाई डरते हैं 42 इंच में बोने से, हमारे जो आप गन्ना डाला हमने एक खेत का फागण का, 100+ का निकला, 110 का आसपास निकला हो प्रति बीघा, 7.5 बीस में। तो भाइयों हमारा और 90-60 इंच का निकला था, टेंच भी देखा निकला था 90 कुंटल का, तो इसलिए हमने 42 इंच ही सही समझा। 42 पे हमने गेहूँ की बोई, गेहूँ अब के देखेंगे गेहूँ की का क्या औसत होगा। लेकिन वो जो हम बोते ना 28-30 इंच पे, उससे बढ़िया रहेगा, बीज भी कम लगा, मेहनत भी कम, पैदावार बढ़िया। भाइयों भाई का गन्ना है, देखो खुदवा दिया, जितवा दिया, कमा दिया बिल्कुल। अब जा अब तो खाद पड़नी चाहिए इसे, कमाया गया। ये पग्गू पेटी जो हमारी लास्ट में गई, अभी 2 दिन पहले निमटी है, लेकिन पग्गू छोड़ दी, ये फ्री की कमाई गई। ये देखिए हमने 2 खुड़ बो रखे, एक छोटा का पैटर भी दिखा, लेकिन इसे भी फेल कर दिया 42 इंच ने, इसलिए हमने 42 इंच ही पकड़ा। 42 इंच के हर खुड़ में 42 इंच की का गैप आता है, इसलिए हर पेड़ को फलने फूलने का मौका मिलता है, हवा अच्छी मिलती है,
इसमें दो बो दिए, इनका अंदर की साइड में गर्मी रहेगी, बाहरी साइड ठंडी रहेगी, तो पैदावार फर्क पड़ेगा। बैट वो सबसे बढ़िया लगी बैट सींच के हमें भाई। वो मौसम बड़ा सुहाना हो रहा ठंडा, लेकिन गन्ने की फसल में कीड़ा आएगा पक्की बात है। अब तो लान ख़त्म से होगी हमारे इधर, तो इक्का दुक्का ही होंगे, किसी के लावा नहीं मिले होंगे, कुछ कारण रहा होगा। बाकी तो सभी लान उठ गए हैं अब तो। भाई ये देखिए फसल कैसी लहला रही है, जड़ की कड़ी पिटी होती तो बहुत लागत लगानी पड़ती। अब हमने एक झुंडे में अगर एक भी पौधा छोड़ दिया तो 10 अपने आप फूट गए। ये हमारी तसला विधि है, विधि तो ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें दिक्कत एक है, मेहनत बहुत है। तसला रखो, चारों में निशान लगाओ, फिर उन्हें लगाओ, पहले डोरी लगाओ, सस्ती और सादी जो विधि है ये 42 इंच की ले जा, सादे ले जा, खोट पाड़ दो, फटाफट गंडा गिर दो, एक आँख का गन्ना बोझ जा, जैसे दो आँख को बस, इससे बड़ा नहीं फर्क पड़ता है। हमने जो बोया, आप जा शुरू में तो बोया एक दिन एक आँख का, फिर बालक थक लिए ने, फिर कर दे दो आँख का। भाइयों थोड़ा सा गन्ना है खोद रहे हैं, वो जो 6 बीघे गेहूँ का उसे खुदवा लेंगे ठेकेदार पे। बाकी थोड़े बहुत तो वर्जिश भी होनी चाहिए। पुनीत बबलू मंड रहे हैं, ये अंकित की जड़ की कटिए देखो, होगी तो बढ़िया ब्याज पे छगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी स्लो चल रही है। ये देखिए जड़ की कटी को, ये देखना पोगो को, पोगो की तो कमाई गई सच्ची बुझे तो। भाई देखिए इसमें खुरपी निकलवा रहे हैं हम, सब खोड़ साफ हो जाएंगे। अर्जुन स्टार्ट हो गया, क्या शानदार आवाज है अर्जुन 555। अर्जुन 555 ने ट्रॉली छोड़ दी भाइयों गोलों की, अभी अंदर जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, ये राजेंद्र सैनी का है, किशन पाल के बड़े भाई का, इसके पास भी दो ट्रैक्टर हैं, अर्जुन 605 और स्वराज 744। भाइयों मैं छोड़ पीछे के रास्ते कुछ जा रहा हूँ गांव की तरफ, सामने हमारा घर है, लेकिन मैं इधर जाऊँगा घूम के, सामने से थोड़ी लंबाई ज़्यादा पड़ती है। भाइयों आज की वीडियो कैसी लगी ये लाइक बताना करना, शेयर भी कर देना। नमस्कार।